चलो भाई, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एरे पढ़ लिए थे तकरीबन, स्प्लाइस पढ़ लिया था, जावास्क्रिप्ट बुक का भाई। अजीब चल रहा है, क्या हो गया ये कीबोर्ड? तो हमने एरे में पढ़ लिया एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स एंड रिमूविंग इंसर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग एलिमेंट्स। क्या क्या है इसमें? शिफ्ट हमने पढ़ लिया, अनशिफ्ट पढ़ लिया, स्लाइस पढ़ लिया। स्लाइस एक और चीज है जो हम पढ़ लेते हैं आज, बस पे एरे का चैप्टर तो कंप्लीट है आपका, हम आएंगे लूप्स पर। ठीक है, स्लाइस क्या होता है? स्प्लाइस क्या होता है भाई? स्प्लाइस स्प्लाइस क्या करता है? ऐड और रिमूव दोनों करता है, सही है? ठीक है, ऑप्शनल है, या तो ऐड भी करवा सकते हो, रिमूव भी करवा सकते हो, या दोनों एक साथ करवा सकते हो। ठीक है, अच्छा एक है एरे डॉट स्लाइस। ठीक है, स्प्लाइस के अलावा स्लाइस है, स्लाइस जो हम जूस भी पीते हैं ना वो वाला, सही है? बोल ही नहीं रहा। अब लिस्ट फॉर एग्जाम्पल, कहा है हमारी लिस्ट? ये रही, ठीक है, बोल ही नहीं रहा। ये कलर्स की लिस्ट है। अब मैं लिखूंगा अगर कलर्स डॉट स्लाइस, ठीक है, स्लाइस करता क्या है अभी देखो मैं। अच्छा, स्लाइस के अंदर क्या बोल रहा है? स्टार्ट यानी स्टार्टिंग इंडेक्स और इसके बाद एंडिंग इंडेक्स, ये दोनों चीजें आपने लिखनी है। बेसिकली मैं इसको बोल रहा हूँ टू या वन से थ्री, मतलब ये है कि वन इंडेक्स से लेकर थ्री से पहले पहले जितने भी बंदे उनको सामने ले आओ, इसका स्लाइस का ये मतलब है। एक्सट्रैक्ट करके ले आओ क्या? तो देखो वन इंडेक्स पे कौन था? ब्लू था। टू इंडेक्स पे येलो और थ्री इंडेक्स पे ग्रे, पर थ्री से पहले पहले। ठीक है, तो वन के वन से स्टार्ट करना है, यानी ब्लू से स्टार्ट करेगा और येलो को भी लाएगा, टू इंडेक्स को भी, लेकिन थ्री को नहीं लाएगा, थ्री से पहले पहले तक ये एक्सट्रैक्ट करके ले आएगा। तो बेसिकली स्लाइस का काम है एक्सट्रैक्शन, यानी पर्टिकुलर इंडेक्स से लेकर पर्टिकुलर इंडेक्स तक का डेटा आप लेकर आओ, स्लाइस ये कर रहा है बेसिकली। उस ओरिजिनल एरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे के वैसे ही रहेगा, सिर्फ ये जो है कलर्स डॉट स्लाइस ये क्या कर रहा है? एरे डॉट स्लाइस एक्सट्रैक्ट करके ला रहा है। एक्सट्रैक्ट मतलब गेट करना, निकाल के लाना, सही? कहां से कहां तक निकाल के लाना वो रेंज हम बता रहे हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स। समझ में आ रही भाई? Yes, एक और सवाल करता हूँ, वो वाला एरे का भाई बिरयानी का, आया है बिरयानी याद आ गई। कैसी थी? चला चला, ये तीन बिरयानी डाली थी हमने? नहीं यार, बाकी पुश करवाई थी हमने क्या? हमारा सीक्रेट जान किसकी थी? कौन आप पूछे? अच्छा आप पूछे, मैं आपको बता दूंगा काल में। ये थी वैसे, ये वो मार्केटिंग हो जाएगी उसकी यार। चलो हो जाए क्या यार, दुराजी में एक होता जहाँ हमने छोड़ा था वापसी, वो दुराजी था ना एरिया, वहां पर एक है नदीम, अच्छी है, मैंने भी पहली बार खाई उसकी। क्या बात है, कर दी ना हमने, रोना धोना किया हमने। ठीक है भाई, अब ये है बिरयानी लोकेशंस। क्या है? बिरयानी लोकेशंस। एक और डाल दो इसमें जो जो हमने खाई, डॉट कुश नदीम बिरयानी। ठीक है, तो ये कितनी हो गई? छह हो गई। ओके, बोल ही नहीं रहा। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं ये लिखता हूं तो क्या होगा बताओ? बिरयानी लोकेशंस डॉट स्लाइस। स्लाइस देखो, स्लाइस का काम ऐड और डिलीट था, दिमाग में रखना, कंफ्यूज ना हो जाओ। स्प्लाइस पी वाला जो है इसका ऐड और डिलीट करना काम है, और स्लाइस का क्या काम है? निकाल के लाना। ये ऐड या डिलीट विलीट कुछ भी नहीं कर रहा, ये सिर्फ निकाल के ला रहा है पर्टिकुलर इंडेक्स। अगर मैं ये लिखता हूँ उसको टू फाइव तो क्या होगा बताओ? कौन कौन? कौन कौन? नसीब, फ्रेंड्स और फरहान। नदीम नहीं आएगा क्यों भाई?
ठीक है ना, जो टू इंडेक्स है ये तो खुद आएगा, लेकिन फाइव से पहले पहले तक यानी टू थ्री फोर ये तीन आएंगे, ये दिमाग में रख लेना, ठीक है भाई, ये लिख लो अपने पास। फिर हम ये कंफ्यूज हो जाएंगे ना, फाइव यहाँ लिखा तो फाइव भी आएगा, नहीं फाइव से पहले पहले तक के टू शामिल है, थ्री फोर शामिल है, फाइव शामिल नहीं होगा, फाइव से पहले पहले तक, ठीक है। तो देखो सही आंसर आपको, तो बेसिकली यही स्लाइड है। डन, बोल ही नहीं रहे यार। तो यहाँ आपका एरे का चैप्टर यू कंप्लीट हुआ। तो एरे के अंदर हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा, एरे क्या भाई, कोई पूछे आपसे एरे क्या, हमने कुछ लिखा था इसके बारे में, वो लिखवाया एक वजह की, एक वजह थी ना उसकी, क्या लिखा, क्या है, मल्टीपल एनीथिंग, मल्टीपल थिंग्स इसके अंदर आ सकती है, ठीक है, या हम ये कह ले लिस्ट ऑफ मल्टीपल थिंग्स, थिंग्स से मुराद मतलब लिस्ट ऑफ मल्टीपल एनी डेटा टाइप्स, लिस्ट ऑफ एनी डेटा टाइप्स, ठीक है, मतलब जितनी भी चीजें हमने डेटा टाइप्स पढ़ी उसकी लिस्ट बनाने का काम एरे है, कलेक्शन ऑफ समथिंग, कलेक्शन ऑफ मेनी थिंग्स, एनी डेटा टाइप, ये सब एरे होती है, ठीक है, बोली नहीं है। अब एरे के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, पुश कर सकते हो, पॉप कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, अनशिफ्ट कर सकते हो, स्लाइस कर सकते हो, स्लाइस कर सकते हो, ठीक है, और इसकी लेंथ भी चेक कर सकते हो। पर्टिकुलर इंडेक्स पर अगर मुझे अपडेट करना हो तो क्या करूंगा, पर्टिकुलर इंडेक्स, फॉर एग्जाम्पल फाइव इंडेक्स मुझे पता है और फिफ्थ इंडेक्स की वैल्यू मुझे चेंज करनी है तो क्या करूंगा, एक ही बंदा बोल रहा है देखो, वैल्यू को चेंज करना है भाई, ये एरे आपका, इसके अंदर नसीब बिरयानी के बजाय मुझे कुछ और लिखना है, कोई और बिरयानी, स्प्लाइस से भी आसान एक तरीका, यहाँ पर स्प्लाइस उस वक्त जब कुछ ऐड करना हो या कुछ डिलीट करना हो, यहाँ मैं अपडेट कर रहा हूँ, सिर्फ अपडेट कर रहा हूँ, नसीब बिरयानी को कुछ और करना है, इक्वल टू लगाएंगे और वो क्या करना है भाई, क्या करूं, बिरयानी लोकेशंस, कौन सा इंडेक्स है नसीब का, टू इंडेक्स है, बताओ क्या करूं, ब्रैकेट टू इक्वल टू, ये बताया नहीं होता है तो याद क्यों नहीं भाई, कुछ और नाम, नाज बिरयानी, अब ये बिरयानी लोकेशंस में नसीब की वजह ही लिखा होगा, है कि नहीं, नाज ऑलरेडी हटता है, एक बार आगे समझ में आई भाई, तो ये सारी चीजें है कि आपने याद रखनी है, ठीक है। शिफ्ट क्या करता है, पीले, हाँ भाई क्या करता है, किसको निकालता है, पहले वाले को निकाल देता है, और पॉप क्या करता है, आखिरी वाले को निकाल देता है, और इन शिफ्ट क्या करता है, इन शिफ्ट तो है नहीं कोई, अनशिफ्ट बोलो, अनशिफ्ट क्या करता है, स्टार्ट से एंटर करवाता है, और पुश एंड से एंटर करवाता है, ठीक है, ठीक है। ये एरे का हमारा चैप्टर यहाँ पर एंड हुआ। स्प्लाइस पढ़ लिया, स्प्लाइस क्या करता है, ऐड भी करता है, रिमूव भी करता है। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, फिलहाल अभी यूज नहीं कर सकते, फिलहाल अभी फिलहाल ये लैपटॉप यूज करें, या अभी फिलहाल जब तक मैं नहीं आता ना तो उनको बोला अपने लैपटॉप पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा अच्छा चलो फिर मैं गाइड कर देता हूँ, अरे हम आ गए, चलो ठीक है। जी हाँ भाई, तो अब हम स्प्लाइस क्या था, भाई स्प्लाइस क्या था,
ऐड भी करा सकते हैं, रिमूव भी करवा सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर लूप्स पर। फॉर लूप्स क्या होता है भाई? फॉर लूप्स काम को आसान करने के लिए आए, ठीक है। मसलन आपको अपना नाम 10 मरतबा अलर्ट करना है, कितनी बार? तो अभी हम क्या करेंगे, अलर्ट काशिफ, इसके बाद अलर्ट काशिफ, अलर्ट काशिफ, यूं 10 बार करना पड़ेगा। तो देखो अभी 4 बार किया तो 4 बार आ गया, ऐसा ही है। यूं 100 बार करना तो 100 बार लिखना पड़ेगा। तो इस तरह की रिपीटेटिव ख्वारियों से बचने के लिए हमारे पास आया फॉर लूप, हमारे पास आया फॉर लूप, ठीक है ना। ये तो बहुत आसान सी ख्वारी थी, इससे मुश्किल से मुश्किल ख्वारियों से बचाने के लिए आया फॉर लूप। अब हमने बनाया था टेबल, याद है, हम वो स्ट्रिंग में कॉन्केट करा करा के हर लाइन में लिख रहे थे, 10 तक का टेबल हमने लिखा था, ठीक है। अब वो टेबल 10 तक का लिखने की बजाय हम फॉर लूप के अंदर उसको एक लाइन में लिख सकते हैं, एक लाइन में लिखेंगे वो फॉर लूप हमें 10 के 1000 तक का, लाखों तक का टेबल बना के दे देगा। तो ये फॉर लूप के फजाइल, समझे आप? यानी ऐसे काम जो आपको रिपीटेटिव हर लाइन में करने पड़ रहे हैं, उसको 100 बार लिखने के लिए, 1000 बार करने के लिए, तो वो काम आपका फॉर लूप इजी कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है फॉर लूप को, ठीक है। अब मैं आपको फॉर लूप, अब ये अलर्ट वाली एग्जांपल में फॉर लूप में आपको बता रहा हूँ कैसे होगी। यानी अब मैं 100 बार अपना नाम अलर्ट करवाना चाह रहा हूँ तो वो कैसे होगा, या 10 बार ही करवा लेते हैं। तो इसका तरीकेकार ये है, पहले हम लिखेंगे फॉर, क्या लिखेंगे? फॉर। इसके बाद पहली चीज जो आएगी वो हम वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, जैसे हम लिखते हैं वार्ड, ठीक है, और ये क्या हो गया फॉर, और अब हमने लिखा वार्ड, क्या लिखा? आवाज से यार, क्या वार्ड के बाद अब आपने वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड है आई, स्टैंडर्ड क्या आई से मुराद आइट्रेशन है, क्या है आइट्रेशन, क्या होती बताता हूँ, टेंशन नहीं लो, वार्ड आई इक्वल्स टू 0 स्टैंडर्ड ये, ठीक है। और इसके बाद मैं लगा रहा हूँ सेमी कॉलन, क्या लगा रहा हूँ, एक ही लाइन में मुझे 3 स्टेटमेंट्स लिखनी है, पहली इनिशियलाइजेशन वेरिएबल बार आई इक्वल्स टू 0, उसके बाद सेमी कॉलन लगा के एक और स्टेटमेंट लिखनी है। पहले मैं सारी स्टेटमेंट लिख लेता हूं, आई इज लेस देन 10, क्या लिखा, क्या समझ में आ रहा है इससे? ये दो चीजें देखकर क्या समझ में आ रहा है, कहां से कहां तक चलेगा, 0 से लेकर 10 तक, 9 तक चलेगा, ऐसा ही है, 0 से लेकर 9, अच्छा 0 से लेकर 9 टोटल कितने हो गए, 10 हो गए, ऐसे ही ना, 0 को मिलाकर 9 तक 10 हो गए, ठीक है। यानी ये लूप जो है, ये फॉर लूप 10 मरतबा चलेगा, और कैसे चलेगा, हम इसको बोल रहे हैं आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का क्या मतलब है, आई में हर मरतबा का एक का इंक्रीमेंट करता है, यानी 0 से जैसे ही चलेगा तो जैसे एक बार चल गया तो 1 हो जाए, फिर 2 हो जाए, फिर 3 हो जाए। अगर यहां मैं आई प्लस 2 लिखूंगा तो ये 2, 4, 6, 8 की सीरीज से चलेगा, बल्कि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 से, हाँ 2, 4, 6, 8 की सीरीज में चलेगा। बहरहाल अभी इस पर गौर नहीं करो, अभी यहां मैंने लिखा आई प्लस प्लस, शुरू से लिख रहा हूं दोबारा, फॉर आप बताओ, फॉर वार्ड आई प्लस टू 0 सेमी कॉलन, अजीब सीन हो रहा है, आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस, ठीक है। ये बेसिक लूप की आपने तारीफ लिख दी, इसको कंडीशंस बता दी, अब आगे ब्रैकेट्स लगा गए, जिस तरह स्विच केस के आगे ब्रैकेट लगा देते, इफ के आगे ब्रैकेट लगा देते, तो इस तरह यहाँ पर ब्रैकेट लगा। अब इसके अंदर जो भी चीज मैं लिखूंगा वो 10 मरतबा चलेगी, कितनी बार? आप देखो मैं एक बार लिख रहा हूँ अलर्ट, और अंदर मैंने अपना नाम लिख दिया। अब मुझे 10 बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने ऊपर बता दिया भाई 0 से लेकर 10 तक, यानी 10 काउंट इसमें चलेंगे। तो देखो एंटर करता हूँ, काशिप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, ठीक है, 10 चले ना भाई, 11 पे नहीं चलाना, मुझसे बोल दिया मैंने, सही है, समझ में आई। अब अगर मैं इसको 5 कर दूं तो 5 बार चलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार चला है, नहीं तो लेस देन है ना, लेस देन है ना, कितनी बार चलाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, सही है ना यार, 5 बार तो चला है, सही भाई, डन हो गया। अच्छा मैंने पहले 0 गिन लिया था, तभी तो धोखा खा गया, समझ में आई ये, बताओ फॉर लूप कैसे बनेगा, फॉर वार्ड आई इक्वल्स टू 0
पाई लेस देन टेन पाई प्लस प्लस, फिर आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये समझ लो ये क्या है, ये देखो ये बेसिकली एक वेरिएबल डिफाइन करता है i, जिसकी वैल्यू इनिशियली जीरो है, यानी बेसिकली यहाँ आप बताओगे लूप आपका कौन सी काउंट से स्टार्ट होना चाहिए, और फिर यहाँ आप बताओगे कब आके इसको खत्म हो जाना चाहिए, कब आगे खत्म होना चाहिए, जब आई लेस देन टेन हो तब तक चलता रहे, लेकिन जब जैसे ही आई इक्वल टू टेन या ग्रेटर देन टेन हो जाए तो यहाँ खत्म हो जाए, समझ आ रही, और आई प्लस प्लस हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ अलर्ट कर रहा हूँ आई को, किसको कर रहा हूँ, आई वेरिएबल है ना, क्या भाई आपको क्या लगता है ये अलर्ट कितनी बार चलेगा, दस बार चलेगा, ये बात फिक्स है, बोल ही नहीं रहा, ये सबको चल रहा है, दस बार क्यों चलेगा, क्योंकि लूप को हमने बताया जीरो से लेकर टेन से लेस देन पे चलना है, यानी जीरो से लेकर नाइन तक चलना है, और जीरो से नाइन टोटल ये टेन होते हैं, सही, अब ये दस बार तो आएगा, लेकिन आई के अंदर क्या आएगा, आवाज दिया क्या आएगा, नंबर कौन कौन से, हाँ यानी जब ये पहली मरतबा चलेगा तो यहाँ पर अलर्ट आई में आएगा जीरो, फिर इसके बाद वन फिर टू फिर थ्री, समझ में आ रहा है, देखो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन डू डू डू, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि क्या मैं अगर फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे पास नम है फाइव, ठीक है, तो फाइव का टेन तक का टेबल में प्रिंट करवा सकता हूँ उसके जरिए, तो बता सकते हैं कैसे होगा, आई में मेरे पास जीरो से लेकर नाइन तक की वैल्यू आ रही है, आई में वन कैसे करूं, अभी उसको वन छोड़ो, समझ लो यहाँ हम आई प्लस वन से खेल लेते हैं, आई प्लस वन का मतलब जीरो होगा तो वन कर देगा, वन होगा तो टू कर देगा, इससे आखिरी नाइन है तो टेन कर देगा, समझ में आई, या चलो अभी आई को जीरो से खेलो, ठीक है, जीरो से हम टेबल स्टार्ट कर रहे हैं, अब बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दिखाना ऐसे ही है, पहले चलो डायरेक्ट टेबल की आंसर दिखा दो, जैसे फाइव जीरो जा जीरो फाइव वन जा फाइव, सिर्फ वैल्यूज दिखा दो, वैल्यूज किस तरह दिखा सकते हैं, नम मल्टीप्लाई है आई, सिंपल भाई नम में फाइव मौजूद है, मैं फाइव का टेबल दिखाना चाह रहा हूँ, तो फाइव पहले जीरो से मल्टीप्लाई होगा, फिर वन से, फिर टू से, फिर थ्री से, ऐसे ही जीरो फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव फोर जा, कैसा दिया टेबल बन गया, अब सिर्फ कॉन्केट वाला सीन दिखाना है, कॉन्केट करके हमें दिखाना है फाइव जीरो जा जीरो फाइव वन जा फाइव, ये दिखाना है नम, इसको हम अलग एक मिनट इसको बाद में लिखते हैं, ठीक है, चलो तुम बताओ पहले हमें क्या लिखना है, पहले हमें स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ है नम, तो नम को मैं डायरेक्ट स्ट्रिंग में लिखूंगा या पहले नम लिखूंगा, नम ना, उसके बाद प्लस स्ट्रिंग बेहतरीन वन आई, आई में आ रही वैल्यू जीरो वन टू थ्री फोर, ठीक है, बेहतरीन प्लस इक्वल्स टू नम मल्टीप्लाई बाय आई, जीते, अब देखो फाइव जीरो था जीरो फाइव वन था फाइव टू था, कैसा हो गया, अब आप सौ तक के टेबल कर लो, हजार लाख ऊपर लिमिट लगा दो, ये आराम से प्रिंट कर देगा। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, अलर्ट का अल्टरनेटिव, अलर्ट को हमें देखने में प्रॉब्लम हो रही है और बार बार एक अलर्ट अलर्ट आ रहा है, एक और अल्टरनेटिव है जिसे हम कहते हैं कंसोल डॉट लॉग, क्या है, अब अलर्ट की बजाय हम कंसोल डॉट लॉग इस्तेमाल करेंगे, ये क्या करता है देखो, ठीक है, इसी में प्रिंट कर दिया बेसिकली, कंसोल में ही प्रिंट, ये कंसोल ही हम यूज कर रहे हैं ना, तो इसी के अंदर हम लॉग करवा रहे हैं कंसोल डॉट लॉग से, अलर्ट की बजाय जिस मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा है, तो अब मेरे पास सारे यहीं पे प्रिंट हो रहे हैं, अब मैं यहाँ हजार तक भी करवा लूं तो ये देखो पांच के हजार तक टेबल आ गए, कैसा दिया, बोल ही नहीं रहे, ऐसा है वे बोल ही नहीं रहे, अल्लाह सही है भाई, बोल ही नहीं रहे, ठीक है, अच्छा जी ये सबको समझ में आया ये केस, ईमानदारी, अच्छा अब मुझे ये बताओ,
आप शुरू से करते हैं थोड़ा। आप मुझे चाहिए यूजर मुझे नंबर दे, ठीक है, और मैं वो टेबल 20 तक का प्रिंट करके दे दूं। चलो भाई सब मिलके बोलो भाई दम। ठीक है, आवाज ही नहीं आ रही बेटा, सब बोलोगे तो याद आएगा। ये बंद करो, अभी लगता है पहले जीरो से खेल लो फिर मत पे आते हैं। अभी पहले वही करवा लो, प्रॉम के बाद प्रॉम के से पहले प्लस आना चाहिए या नहीं, आपसे ही सवाल। रूल पढ़ो, रूल नंबर वन याद है क्या था? यानी ये स्ट्रिंग है ना, अभी अभी प्रॉम्प्ट हमने प्रॉम्प्ट से पहले प्लस ही लगाया, तो नम में क्या है, स्ट्रिंग है, तो यहाँ तो हमें कॉन्केट ही करना है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग कॉन्केट हो जाएंगे, मसला नहीं है। असल यहाँ प्रॉब्लम आ सकता है, तो सवाल ये रूल नंबर टू क्या था? कर देगा फिर प्लस की जरूरत है, कैसा दिया? ठीक है अबे, हाँ सही, सेवंथ का टेबल कैसा दिया, काम आसान हुआ कि नहीं? अच्छा अब इस ये मसला सबको समझ आ गया, ये पक्की बात है? हाँ क्या फॉर लूप बोल रहे हैं यार, मैं वो फोर समझ रहा हूँ नंबर वाला, ये पहली लाइन, ये एक मिनट मेहमान बोलेगा, हाँ ये बाहर नहीं लिख सकते, ये पूछ रहे तुम, ये नहीं ये बाहर नहीं लिखेंगे, ठीक है, बार सिर्फ बार आई बाहर हो सकता है, लेकिन आई इक्वल टू जीरो तो स्टिल अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा भाई बात सुनो, ये सबको समझ में आया ये अभी तक का? yes, भाई ईमानदारी, yes, जिसको ना आया हो तो पूछ ले भाई, ठीक है। अब हमें सिंपल ये करना है यार, ये जीरो के बजाय वन से स्टार्ट हो और दूसरा 19 के बजाय 20 तक जाए, ऐसा है? yes, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई को पहले तो वन से स्टार्ट करना पड़ेगा, आई इज लेस देन 20 लिखा हुआ है, तो इसके दो तरीके हैं, या तो यहाँ इक्वल टू भी लगा दो ताकि ये लूप उस वक्त तक चलता रहे जब या तो आई लेस देन हो या तो आई 20 के इक्वल हो जाए। आप पहले तो ये समझ लो लूप खत्म कैसे हो रहा है, ठीक है, जब ये कंडीशन है तो लूप खत्म कैसे हो रहा है? लूप खत्म ऐसे हो रहा है, देखो जब ये आई जीरो पर होता है, ठीक है, लूप चल कैसे रहा है ये समझ लो, तो खत्म होने का समझ में आ जाएगा। ये चलता है ऐसे, पहले चेक करता है आई जीरो उसने इनिशियलाइज की वैल्यू, ठीक है, फिर बोलता है यार आई को 20 से लेस देन तक चलाना है और इसमें कितना इंक्रीमेंट करना है, हर बार एक का इंक्रीमेंट करना है। पहले यह वैल्यू आई की आई जीरो, क्या आई जीरो के बाद इसने चेक किया कि क्या जीरो 20 से सॉरी इसके बाद इसने आई प्लस प्लस किया तो ये हो गई वन, क्या हो गई? अब इसने चेक किया कि वन क्या 20 से लेस देन है, तो है, तो इससे आगे लूप को चलाया। इसी तरह फिर से अगला इंक्रीमेंट किया टू, फिर से चेक किया टू क्या 20 से लेस देन है, अगर है तो उससे आगे चलाया। इस तरह सो ऑन करते करते 19 तक गया, किधर तक गया बोल ही नहीं रहा, आखिरी 19 तक गया। जब 19 पे गया तो ये आई प्लस प्लस क्या हो गया 20, क्या हो गया भाई, जब ये लूप चला 19 पर तो इसके बाद आई प्लस प्लस हुआ ना, तो ये हो गया 20। अब ये दोबारा इस कंडीशन पे आया कि क्या 20 लेस देन 20 है, फॉल्स, क्या हो गया, जैसे ही फॉल्स हुआ तो लूप खत्म हो गया। इस वजह से लास्ट हमें वैल्यू जो मिल रही है यहाँ 19 मिल रही है, क्या मिल रही है? तो अब हम इसको कर देते हैं, अगर मैंने यहाँ लेस देन इक्वल टू कर दिया
तो क्या होगा 19 के बाद जब इसने i++ पे 20 किया तो अब ये आएगा 20 इज लेस देन और इक्वल टू 20, तो ये ट्रू होगा फॉल्स? ट्रू हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू मौजूद, लेस देन तो नहीं लेकिन इक्वल टू जरूर है, तो इस सूरत में 20 पर भी चला देगा और हमें हमारे पास 20 की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ हम इसको बोल रहे हैं भाई जीरो के बजाय वन से स्टार्ट करो, किससे स्टार्ट करो, तो अभी हमेशा मुझे वन से लेकर 20 तक का टेबल देगा। देखो जरा 7 का टेबल आया, बोलो बोलो, वन से लेकर 20 तक आया, कैसा दिया, ईमानदारी, ठीक है भाई। ये एक तो है असाइनिंग, अगर डबल इक्वल आप लगाते हैं तो क्या कहते हैं ये लूप चलेगा कैसे, क्योंकि जब ये आई इक्वल टू वन है और आई प्लस प्लस होगा, ठीक है, तो ये इसे टू कर देगा। अब टू क्या डबल इक्वल है 20 के, तो पहली कंडीशन में ही फॉल्स होकर लूप को तोड़ देगा, ठीक है। इसको चलने के लिए यहां इसको ट्रू चाहिए होगा, यहां जब जब ट्रू मिलता रहेगा ये चलता रहेगा, जैसे ही फॉल्स मिला ब्रेक हो जाएगा, सर भाई। तो इस वजह से हम ये वैल्यूज ला पाते हैं, चीते हो गए, बोली नहीं रहे। अच्छा तो ऐसा है, इसके अंदर देख लेते कोई ऐसी एग्जांपल तो नहीं। अच्छा इसके अंदर एरेस रिलेटेड दी गई है, एरेस रिलेटेड भी खेलते हैं हम, एरे लेंथ 2% ड्रॉप्स, ये तो बहुत आगे निकल गया जल्दी, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं एक और चीज पर, इसी से रिलेटेड है, ये समझ में आ गया ना, ईमानदारी है दुमका है। स्टैंडर्ड कोई और भी हो सकता है, आप क्या पूछो, आई वन है, हाँ नहीं उस वक्त नहीं होगा, एक बार जब आइटरेट करेगा एक बार लूप चलेगा तो होगा, उसके बाद करेगा, ठीक है। ऐसे ही आई प्लस प्लस किया फिर कंडीशन चेक किया, इस तरह सही है। अच्छा अच्छा ये आइट्रेशन मैंने जो बोला था आई से मतलब आइट्रेशन, तो आइट्रेशन का मतलब है लूपिंग, सही है। तो हम कह रहे हैं यार ये आइट्रेशन नंबर कौन सी है, वन है, ठीक है, फिर टू चलेगा हम बोलेंगे आइट्रेशन नंबर टू है, तो जो भी लूपिंग के स्टेप से हम आइट्रेशन कहते हैं, ठीक है, ये आइट्रेट कर रहा है लूप कर रहा है एक ही बात है, तो इस वजह से बार आई यूज होता है, ठीक है, ये समझ में आया भाई। अच्छा इसके कुछ सवाल हम कर लेते हैं फिर हम एक और चीज पे जाते हैं, इसके सवाल भी हमें मिलने चाहिए आई गेस इसके अंदर होंगे, ये तो एरेस है, फॉर लूप के है कोई एक्सरसाइज। अच्छा ये जो मैं आपको फॉर लूप्स की दिख रही कोई, क्या चीज होती है लेकिन आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल आपने एक ही इस पे ही गौर करना है फॉर लूप्स पे, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊँ, लेट्स से इस तरह की रिपीटेटिव चीजें हमने कुछ की पिछले असाइनमेंट्स में, क्या जैसा कि टेबल तो कर लिया हमने और कोई थे इस तरह के, जी तो ये कौन आ गई, ये एक सीनियर रही हैं और इन्होंने जावास्क्रिप्ट के असाइनमेंट्स बनाए हैं बेहतरीन, हम इन्हीं के असाइनमेंट्स फॉलो कर रहे होते हैं, ये तो लेक्चर्स हैं असाइनमेंट्स, ठीक है। ये जो अभी आपको जितने असाइनमेंट्स मिले ना ये इन्हीं ने बनाए हैं,
जी क्या? नहीं यार बड़ा, आप इसको दुआएं दोगे फिर 2 साल बाद? मतलब ये अच्छा सवाल है, लेकिन जब अच्छी सैलरी होगी फिर ना, हो सकता है साल बाद अच्छी सैलरी हो जाए। शुरू में समय सैलरी कम होती है, दिल नहीं चाहता किसी को दुआएं देने का। दुआएं तो हमारे साथ ही है, हमारा तुम्हारे साथ ही है। ये आ गया फॉर्मूला। हाँ जी, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन का टेबल हमने कर लिया भाई। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज बोल रहा है कि एक तो वो भी लो, आप नंबर लो उससे, और लेंथ भी उससे लेनी, यानी कितनी कितने नंबर्स, कितनी बार इसका टेबल चलेगा, 20 मरतबा 30 मरतबा, वो भी ले सकते हैं? बोल ही नहीं रहा वह भाई, आवाज नहीं आ रही। एक तो नंबर लेना है किसका टेबल, और एक बोले कितने वो क्या बोलेंगे उसको, कितना कितना लंबा चलाना है उसको, 20 का टेबल चाहिए, 30 तक का चाहिए, तो ये फिर इस तरह से प्रिंट करना है। ठीक है, अच्छा अब आ रहा है एरे। अच्छा ये डायरेक्ट एरे भी ले आए, कैसे लोग, चलो एरे पे भी आ जाते, कोई मसला नहीं, जीतते लोग। ठीक है, इवेंट और ठीक है, एरे पे आ जाते भाई। अच्छा इसी के थ्रू अब एरे से भी हम खेलते हैं, किससे खेलते हैं? अब हमने एरे बनाया था, क्या बनाया था? बिरयानी लोकेशन, तैयार है हमारा एरे। ठीक है भाई, बोल ही नहीं रहे, बिरयानी लोकेशन। ठीक है, मैं चाह रहा हूं हर बिरयानी लोकेशन का नाम सबसे पहले मैं फॉर के अंदर प्रिंट करवाऊ, यानी अलग अलग फॉर के साथ प्रिंट हो रहा हूँ, या ऐसे प्रिंट हो रहा हूँ बिरयानी लोकेशन कॉलन और आगे आ रहा हूँ नाज बिरयानी, फिर आ रहा हूँ बिरयानी लोकेशन कॉलन और रहमान बिरयानी, फिर आ रहा हूँ बिरयानी लोकेशन कॉलन नाज बिरयानी। अगर फॉर लूप ना हो तो मुझे हर चीज को अलग अलग लिखना पड़ेगा, लेकिन फॉर लूप के जरिए मैं एरे को पूरा आइटरेट करवा सकता हूँ। कैसे? वही अगेन फॉर लूप, सिंपली आप बोल लगाओ बार आई इक्वल टू। अच्छा इंडेक्सिंग कहां से शुरू है? जीरो से, तो हम जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। सही है, आवाज नहीं आ रही? आगे आई इज लेस देन 10, 10 तक चलाना है, 6 तक चलाना है, 5। अच्छा ये तो वो एरे जिसकी लेंथ हमें पता है बजाय देखकर, अब इतना बड़ा अगर एरे होता तो क्या हम गिनने जाते? नहीं, तो हम सिंपली लिखेंगे बिरयानी लोकेशंस डॉट लेंथ। चित्ते में याद आया क्या है लेंथ? लेंथ क्या करते हैं? लेंथ निकाल के ले आते हैं भाई, तो जो एरे है डॉट लेंथ, तो अब ये क्या करेगा भाई, 5 लेंथ होगी तो ये 4 तक का लूप चलाएगा, 0 से 4 तक, ऐसा ही है, और आपकी इंडेक्स 4 ही है ना भाई। ठीक है, और आई प्लस प्लस है 6 है, तो आखिरी 5 होगा। सही है, क्या कह रहे हो? हाँ तो सही है ना भाई, हमें हमें जो चाहिए 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 3 4 5 तक चाहिए ना भाई। हमने बोला इसको लेंथ इसी वजह से दिए कि इसके लेस देन तक हमें इंडेक्सिंग मिल जाए। अब मैं इंडेक्सिंग क्यों यहाँ इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, इस वजह से, अब देखो मैं सिर्फ कंसोल कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग बिरयानी लोकेशन जो कि एक एरे है, और इसका आई इंडेक्स, इसका आई इंडेक्स से क्या मुराद है, आई में क्या क्या वैल्यू आती भाई, आई में वैल्यू क्या आएगी? जीरो। आई के अंदर क्या वैल्यू आएगी? जीरो से लेकर 5 तक। बोल ही नहीं रहे अभी, तुम लोगों ने टेबल बनाया, तुम लोगों ने बोला आई के अंदर 0 से लेकर 1 2 3 वैल्यू आ रही, याद है? तो उसी आई को मैंने इस्तेमाल किया, तो पहले बताओ आई के अंदर वैल्यू कौन कौन सी आ रही? 0 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 तक की लेंथ है तो 5 तक हमारा ये आई की वैल्यू आएगी। अब मैंने सिंपली इसको बोल दिया कि बिरयानी लोकेशन के अंदर आई इंडेक्स मतलब 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स, सबकी वैल्यूज ले आएगा ये? ये क्या बदतमीजी थी, ये क्या बदतमीजी थी, ये थोड़ी देर बाद चलेगा, देखा पीटीसीएल आया भाई, बोल ही नहीं रहे, 6 आ गई, बोल ही नहीं रहे, ये वैल्यूज कंसोल होके आई है। अब मैं इसके साथ लोकेशन अगर ऐसे कॉन्कैट करा दूं यहाँ पर कि भाई सबर सबर पहले इसको देखो, बिरयानी लोकेशन कॉलन प्लस, तो देखो आप सबके साथ क्या लगा दें, बिरयानी लोकेशन नाज बिरयानी, बिरयानी लोकेशन और रहमान बिरयानी, बिरयानी लोकेशन नाज बिरयानी, कैसा दिया? देखो क्या किया मैंने, आप पहले आ जाओ टेबल वाले पे दोबारा। ठीक है, ये हमने किया था, बोल ही नहीं रहे यार, इसके अंदर हमने आई क्या है, आई क्या है हमारा, आइट्रेशन है ना,
जो भी इसकी वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पर इस सूरत में पहली वैल्यू क्या आएगी, बोल ही नहीं रहा, वन आ रहा है, फिर टिल कहाँ तो जाएगी, 20 तक, 19 तक, आवाज नहीं आ रही भाई, पीछे वालों कहाँ तक आएगी, 20 या 19, क्यों 20, लेस देन इक्वल टू, यानी 1, 2, 3, 4 करके 20 तक जाएगी ना, डायरेक्ट 1 से 20 तो जम नहीं मारी, तो यही चीज मैंने यहाँ पर तो की है। यहाँ पर अगर मैं सिर्फ आई लिखूं, पहले तो ये बताओ बिरयानी लोकेशन डॉट लेंस वन में आ रहा है, ये क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ मुझे पर्टिकुलर 10, 20, 30 तक नहीं चलाना, यहाँ मुझे एरे की लेंथ तक चलाना है, जितना एरे है उसकी लेंथ तक, क्योंकि एरे के तमाम आइटम्स मुझे प्रिंट करना है, तो जितनी एरे की लेंथ होगी उस वक्त तक मुझे लूप चलाना है, सही, ये बात समझ आ रही, तो ये लूप अगर एरे की लेंथ 6 है तो ये लूप कहां तक चलेगा, बोल रही है कहां तक चलेगा, 5 तक चलेगा, सही है। तो जिस हमें ये भी पता है कि एरे की लेंथ अगर 100 हो तो उसके अंदर लास्ट इंडेक्स कौन सा होगा, 99, एक कब होगा ये पता है भाई, आवाज नहीं आ रही, चलो मैं मुश्किल से पूछता हूँ, एरे के अगर लेंथ 1,24,000 हो, हाँ 1,24,000 हो तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा, 1,23,999, यानी एक कम जो है वो इसका लास्ट इंडेक्स होगा, समझ में आ रही। अब सीन ये है कि आई यहाँ पर अगर मैं सिर्फ आई यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ और एरे की लेंथ 7 है तो आई में क्या क्या प्रिंट होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब हमें ये पता है कि अगर मैं एरे का नाम लिखूं और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो इसका क्या मतलब है, बिरयानी लोकेशन की 2 इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी, ऐसा ही। अब 2 के बजाय मैंने सिंपल लिख दिया आई, अब मुझे पता है आई के अंदर सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी, 0, तो बिरयानी लोकेशन की 0 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जब 1 होगा तो बिरयानी लोकेशन की 1 इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर 2, फिर 3, सो ऑन टिल 5 तक, या जो भी लेंथ है उससे -1 तक वैल्यू आ जाएगी, समझ में आई। अब ये जब वैल्यू आ रही है, मैंने इससे पहले कॉन्केट करा दी अपनी चीज जो भी मुझे करनी थी, समझ में आ रही, या इसके आगे मैं एक और चीज कॉन्केट करा रहा हूं, मजेदार, ठीक है, डैश करके मजेदार। अब क्या होगा, हर बिरयानी के साथ क्या कॉन्केट आ रहा होगा, मजेदार, कैसा दिया, कुछ बात समझ में आई, हाँ भाई, वो पे कंडीशन लगानी पड़ेगी कि भाई किसी एक से कौन मिला दे कोई खास इंडेक्स, तो उस इंडेक्स को आई इक्वल्स टू वो इंडेक्स, चलो कर लेते कर लेते कर लेते, अच्छी बात है, ये सबको समझ में है, ईमानदारी। आप ये बोल रहे यार किसी खास बिरयानी पर मजेदार की कंडीशन लगानी है और इसके अलावा जितनी है उस पर बेकार की कंडीशन लगानी है, सही है, बोल ही नहीं रहे। तो अब खास वाली के लिए आप मुझे देखना पड़ेगा किस खास की बात कर रहा है, अगर खास से मुराद कोई इंडेक्स है, खास से मुराद कोई इंडेक्स है, तो हम इंडेक्स के लिए क्या करेंगे, इफ फॉर एग्जांपल आई से मुराद आई सेकंड इंडेक्स पर जो बिरयानी हो मजेदार है, इसके अलावा सारी बेकार है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, अगर आई क्या हो, कंडीशन नहीं आ रही भाई, उर्दू में मैंने बोला है आई अगर 2 हो तो मजेदार आ जाए, तो क्या लिखूंगा, 2, क्यों डायरेक्ट 2 नहीं, आई के अंदर डायरेक्ट वैल्यू आ रही है ना, आई की वैल्यू अगर 2 हो जाए यानी सेकंड इंडेक्स पर जब आ जाए तो उस बिरयानी को क्या कंसोल कर दे, मजेदार, वरना बेकार, एल्स पे आएगा यही चीज हो जाएगी और बेकार, ठीक है। देखो कौन सी मजेदार निकली, नाश पे, बाकी सारी कैसा दिए हैं, अभी कर दी ना हमने यार, अब नहीं नदीम को बेकार नहीं कर सकते, मार्केटिंग सही। अब सीन ये है कि एक तो तरीके का, एक तो क्लाइंट ने बोला भाई इंडेक्स से आपको करना है, क्या जो इंडेक्स हो वो वाली आपने कंडीशन लगानी है, अब क्लाइंट बोला नहीं इंडेक्स नहीं, जो मैं कहूं वो वाली अच्छी है, जो मैं ना कहूं वो वाली बेकार, यानी वैल्यू, वो बोलता है नदीम बिरयानी जो है ना उसको आप चेक करना है एरे के अंदर, अगर नदीम बिरयानी है तो वो मजेदार है वरना फिर सारी बेकार है,
तो अब यहाँ अगर मुझे नदीम बिरयानी की कंडीशन लगानी तो वो कैसे लगाऊंगा? नहीं, मुझे चलो अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है वार यूजर वैल्यू, ठीक है ना, ये यूजर वैल्यू मुझे पता है कि नदीम बिरयानी है, ठीक है, क्या है नदीम बिरयानी, समझो यू, चलो प्रॉम्प्ट से भी हम कर सकते थे, ठीक है, इसको बाहर ही रख लो, आवाज ही नहीं आ रही, समझो ये यूजर बिरयानी, अब बार बार प्रॉम्प्ट नहीं लेते हम, समझो ये यूजर से आ रही है प्रॉम्प्ट करके, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या इंडेक्स ऑफ, जो वैल्यू दी है उसका इंडेक्स एरे के अंदर क्या है? यार इंडेक्स ऑफ यहाँ पर सही रहेगा, यहाँ पर तो हम वैल्यूज, हम इंडेक्स ऑफ तो उधर उस वक्त यूज करते जब हमें पर्टिकुलर वैल्यू का इंडेक्स मालूम करना होता, यहाँ तो हमें पता है नदी बिरयानी मौजूद है और लूप हमारा हर जगह से गुजर के जा रहा है, जीरो से भी जा रहा है, वन से भी जा रहा है, टू से भी जा रहा है, यहाँ सिंपली हम करेंगे कि भाई बिरयानी वैल्यू और बिरयानी लोकेशंस का आई इंडेक्स, यानी जो जो लूप चल रहा है जीरो इंडेक्स पे आ रहा है, वन पे आ रहा है, वो अगर नदीम बिरयानी है या नहीं, समझ भाई, अगर वो नदीम बिरयानी, जैसे जीरो वाली नदीम बिरयानी नहीं है तो एल्स पे आ जाएगा बेकार, वन पर चेक करेगा नदीम बिरयानी है या नहीं, टू पर चेक करेगा, जिस तरह चेक करेगा अगर जब मिल जाएगी तो मजेदार कर देगा, नहीं मिलेगी तो एल्स पे बेकार कर देगा, सही है भाई? आप बताओ, आप क्या कह रहे हो उससे भाई, आई के अंदर क्या आ रहा है, आई के अंदर वैल्यू क्या है, इंडेक्स है, तो क्या इंडेक्स नदीम बिरयानी के इक्वल हो सकता है, जीरो वन टू नदीम बिरयानी के इक्वल नहीं हो सकता, हमें देखना है कि जीरो वन टू के पीछे बिरयानी लोकेशन में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई, समझ आ रही भाई, बोल ही नहीं रहे, तो ये बेसिकली, हाँ समझ आया भाई, लगता नहीं आया, ईमानदारी पक्की बात, चीते हो गए, चलो अब आते हैं ना मर्दाना, ये सबको समझ आया भाई, पक्की बात, यही लिखना है, लिख लो ये, जल्दी लिख लो ये वाली, फिर मुश्किल सवाल आने वाला है, आप बताएं क्यों चलेगा, दोनों, अब ये बताने, ये दोनों की वैल्यूज क्या स्ट्रिंग है, तो दोनों डबल इक्वल पे भी चल जाएंगे और ट्रिपल इक्वल पे भी चल जाएंगे, बेहतरीन हो गया, डन, करोगे भाई? अब आने वाला है मुश्किल सवाल,
डन। अरे यार जल्दी कर लो यार। हो गया बेटा कर लो जल्दी कर लो भाई। चलो भाई अब सवाल आ रहा है बड़ा ही मुश्किल। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। डन है। तो हर चीज में एल्स लिख देगा और क्या जब उसकी मुराद है ही नहीं तो बेकार हो कोई सारी होते हैं ना डिफेंस वाली मरे को तो ये खानी और सिर्फ बेकार। ठीक है भाई चलो। हाँ भाई सवाल आ रहा है पहले तो बताओ मीम्स का ये कैसे बनाते हैं। चलो भाई शुरू हो जाओ। है कैसा दिया फिर मीम्स बताओ मशहूर मशहूर ही क्या मतलब थकी हुई ठंडी मतलब एसी बंद करना पड़ेगा जल्दी बताओ। है खोपड़ी तोड़ साले की, साले की। इसकी आगे मैं नहीं बताऊंगा मस्त जोक मारा हाँ मेमन क्या बोल रहा जल्दी बताओ क्या हो गया ये कौन सी मेमन ऐसा क्या कर रहे हो क्या डाल या ऐसा क्या देख रहे हो भाई बताओ ना यार जल्दी जल्दी में मारो मुझे मारो वो नहीं ये किसकी थी मारो मुझे मारो हाँ वो मैच वालेगी हाँ और ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा कौन सी क्या बोल रहे कैसा लगा मेरा मजाक और क्या हो रहा है इसकी कॉल आ रही है नहीं और गवर्नमेंट बिक गई है गवर्नमेंट बिक गई है गवर्नमेंट क्या हाँ क्या ये क्या है न्यूट्रल अब पता नहीं कौन कौन से तुम्हें बुला रहे हैं अजीब अजीब पुरानी हो गई जेडब्ल्यूटी क्या बोलता रहता है यार। चलो भाई आ गई मीम्स जितने शौक से आपने मीम्स बताई अब उतने शौक से आपको काम करना पड़ेगा। कितनी मीम्स है भाई बोल ही नहीं रहे आठ मीम्स कहलाती क्या कहला मीम्स 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 होती मीम्स है आठ कितनी भाई आठ। सबसे पहले तो आपको इस इन तमाम मीम्स को दिखाना है ऐसे कि यहां लिखाओ मीम्स कॉलन और तमाम मीम्स आ रही हूं बताओ कैसे करेंगे तमाम मीम्स को ऐसे दिखाना है लेफ्ट पर लिखाओ मीम्स कॉलन और उसके बाद सारी मीम्स आ रही हूं फॉर जल्दी नहीं आई इक्वल टू जीरो टेन ट्वेंटी एट चंदा आई प्लस प्लस आई इक्वल टू प्लस प्लस सही जा रहा भाई मस्त जोक मारा भी जा रहा है डॉट लॉग बताओ कंसोल डॉट लॉग मीम्स कॉलन स्पेस क्या मीम्स कॉलन मीम्स क्या बताने की
आगे प्लस 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 देखिए कॉपी में देख रहा क्या लिखना था, कुछ भी नहीं होगा सही है। हाँ भाई बेहतरीन हो गया, बोल ही नहीं रहा। अच्छा अब सीन करना आप बेहतरीन, ये तो बहुत आसान था। आप क्या समझे, आप चीते हुए? नहीं सर, आपका धोखा है। क्या हुए? पीते हुए भाई, मुझे इसमें ये करना है, मुझे इसमें ये करना है कि आप समझ रहे? नहीं समझे, नहीं समझे। मुझे इसमें ये करना है, है? क्या करना? डिलीट। क्या बोलता रहते है? मैं ये करना चाह रहा हूं, हाँ ये गेम खेलना है, ये गेम खेलना है। मुझे यहां पर ये लिखा हुआ दिखना चाहिए कि उर्दू में लिखा हुआ आना चाहिए, मीम्स के जीरो इंडेक्स पर ये वैल्यू है और इसके आगे लिखा हुआ कैसा दिया, मीम्स के वन इंडेक्स पर ये वैल्यू है और ये लिखा हुआ खोपड़ी तोड़ इसकी, मीम्स के वन टू इंडेक्स पर ये वैल्यू है, मैं नहीं बताऊंगा, बताओ कैसे लिखेंगे मीम्स के कॉन्केटिनेट मीम्स के आई देख नहीं ना क्या आएगा, जे आएगा, क्यों आई आएगा, मेम्स के फुला इंडेक्स पर, आई से मुराद फुला कर लो, फुला में जीरो वन टू थ्री सब आएंगे, फिर इंडेक्स पर ओके पर ये वैल्यू है और वैल्यू आगे कॉलम के बाद दिखा देते हैं। ओहो मेम्स के जीरो इंडेक्स पर ये वैल्यू है, मेम्स के वन इंडेक्स पर ये वैल्यू, मेम्स के टू इंडेक्स पर ये वैल्यू। चीते हो गए, बोल ही नहीं रहे। कैसा दिया, बेहतरीन दिया, नहीं दिया, लंबी हो गई, आई लिखते थे नहीं, वो तो एक रिक्वायरमेंट थी ना, जैसे इसके अंदर बोल रहा है यार एलिमेंट एट इंडेक्स जीरो इज एप्पल, एलिमेंट एट इंडेक्स वन इज बनाना, इस तरह का काम करवाना चाह रहा हूं। डरोगे भाई? अब आ रहा है इससे मजेदार काम, ये 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 काउंटिंग रिवर्स काउंटिंग इवन ऑड। ओहो अब आया ना वोट पार के नीचे है, पार के नीचे वोट भाई कुछ बोल दूंगा फिर मतलब मसला हो जाएगा थोड़ा। सुन लो आप सीन ये करना है, मुझको ये बताओ, ये बोल रहा है यार मेरे को जो है ना वन से लेकर 15 तक की वैल्यूज काउंट यहाँ पर अलर्ट में कंसोल में दिखा दो, कैसे दिखाऊंगा, कंसोल डॉट लॉग वन से 15 तक की वैल्यूज आई को वन कर दे ऐसे, सही है बेहतरीन है, ये पहली चीज तो हमारी हो गई। अब ये बोल रहा है ये इवन नंबर्स आने चाहिए, यानी जीरो से स्टार्ट हो और जीरो से लेकर 20 तक आए लेकिन इवन नंबर्स आए, 0, 2, 4, 6, 8। अभी रिवर्स को छोड़ रहे हैं, रिवर्स को बाद में करेंगे, पहले इवन पे आ रहे हैं, तो इवन नंबर्स को प्रिंट कराना है, 1, 2, 3 नहीं आएगा बल्कि 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह आएगा, दो दो के डिफरेंस से। इसमें मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, आई को जीरो कर दे क्योंकि जीरो से स्टार्ट करना है, कहां तक लेकर जाना है 20 तक, लेस देन इक्वल या सिर्फ इक्वल, सिर्फ लेस देन, 20 भी शामिल करना है तो लेस देन इक्वल, ऐसा ही है, अगर 20 शामिल नहीं करना होता तो लेस देन आ जाता, सही। अब और इस सूरत में क्या प्रिंट करेगा, अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3, 4 से 20, अब मुझे 0 के बाद 1 नहीं चाहिए, 2 चाहिए, फिर 3 नहीं चाहिए, 4 चाहिए, यानी 2, 4, 6, 8 चाहिए मुझे,
अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इफ 15 लगाना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पर सिंपल इतना है कि मुझे पता है आई प्लस प्लस क्या कर रहा है, जीरो से वन कर रहा है, वन से टू कर रहा है, तो प्लस प्लस के बजाय यहाँ मैं लिखता हूँ आई प्लस टू, तो यह हमेशा वन के बजाय दो का इंक्रीमेंट करेगा, इसके बाद टू के बाद फोर, फोर के बाद सिक्स। अब देखो पीटीसीएल आएगा आजा, ये क्या हरकत की इसने यार, वो मिट तो नहीं किया, पीटीसीएल का फॉल्ट नहीं हमारा, 20 और आई प्लस सही है यार, पीटीसीएल है नाराज है, ये क्या हो जाता है इसको समझ है? हैं जी, और वो आ भी नहीं था, मैंने लिखा है यार नहीं, एंटर किया मैंने दो बार एंटर किया है, क्या हो गया है? देखो क्रोम ब्राउजर की लगे मैं, मतलब हैंग हुआ है, सब चीजें चलेंगी। वो तो बंद कर दिया हमने, कुछ और प्रॉब्लम लग रहा है, ये देखो समथिंग वेंट रॉन्ग। हाँ मेरे ख्याल से हमें हमने शायद इनफिनिट लूप भी लगा दिया, आई इक्वल्स टू आई प्लस टू लिखना चाहिए था मुझे याद पड़ रहा, तभी इतना सुन सुन हो गया ये। मैं लेकिन हमें क्लोज तो कर दिया, अब क्या है इसको पैसे देंगे इसको चलने के, नाराजी हो गया एक बार हमने क्या इसको बोल दिया, ऐसा फुप्पो बन गया। अबे भाई पीसी का रिस्टार्ट करेंगे, ऐसा भी थोड़ी होता है, कोई और एज वेज में देख लेते हैं। क्या बात की आपने, इस पे कहाँ चल रहा है, एज पर कहाँ चल रहा है, दूसरे ब्राउजर पे भी बंद क्या अजीब है, नेट से होना तो नहीं चाहिए इस तरह का कोई, स्टार्ट कर लें आई गेस। चलो भाई मिलते हैं।